नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। और आज जो सिक्का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये चाणक्य का 5 रुपए का सिक्का है। ये सिक्का कितना कीमती है ये तो वीडियो में पता चलेगा। और अगर आप लोगों के पास में भी ऐसे सिक्के पड़े हुए हैं और आप इन सिक्कों का कलेक्शन करते हैं, या फिर आपके पास पड़े हुए 5 रुपए के सिक्के की कीमत जानना चाहते हैं, या फिर आप अपना 5 रुपए का सिक्का बेचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा 5 रुपए का आपका सिक्का आपको कितनी कीमत दिला सकता है। सभी सिक्के कीमती नहीं होते हैं और सभी सिक्के कॉमन भी नहीं होते हैं, इसीलिए जब भी कोई सिक्के की जानकारी देखो तो उसको अच्छे से समझोगे तभी पता चलेगा कि आपका सिक्का कितनी कीमत आपको दिला सकता है। तो इस सिक्के के बारे में आपको वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, ये सिक्का आपको कितनी वैल्यू देगा, आखिर इसी का कलेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो को जारी करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलो जानते हैं 5 रुपए के इस सिक्के की सही कीमत क्या है और इस सिक्के की कहानी क्या है। इस सिक्के को जारी करने का जो मेन मकसद है वो है भारत में जो इनकम टैक्स लागू किया गया था 1860 से 2010 में, 1/5 ईयर पूरा हो जाता है, मतलब 150 साल पूरे होती हैं, और उसको सेलिब्रेशन करने के लिए, यादगार बनाने के लिए ये 5 रुपए का चाणक्य कॉइन जारी किया जाता है। 2010 में 150 साल पूरे होते हैं, लेकिन सिक्का आया था 2011 में, रिलीज किया गया था। ये सिक्के वैसे तो भारत की चारों ही मिनटों में जारी किए गए हैं, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। अगर आप लोग सिक्कों से रिलेटेड जानकारियां रखते हैं तो शायद आपको मिंट मार्क के बारे में नॉलेज होगा। मुंबई का डायमंड का मिंट मार्क, नोएडा का डॉट का मिंट मार्क, हैदराबाद का स्टार का मिंट मार्क और कोलकाता का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। सिक्के को रिवर्स साइड से देखते हैं तो बीच में चाणक्य का फोटो बना हुआ है और उसके नीचे चाणक्य हिंदी इंग्लिश में अंकित है, और एक साइड फूल बना हुआ है और उसके ऊपर एक मक्खी बैठी हुई है, और नीचे में डॉट का मिंट मार्क है और उसके नीचे 1860 से 2010 लिखा हुआ है, जो कि इस मतलब जो इनकम टैक्स था जिसको जारी किया गया था स्टार्टिंग में, उसको 1860 से 2010 में 160 ईयर पूरा हो जाता है, और उसको सेलिब्रेशन करने के लिए, उसको यादगार करने बनाने के लिए ये सिक्का जारी किया जाता है 2010 में, और 2011 में इस सिक्के को रिलीज कर दिया जाता है। एक साइड में आयकर भारत निर्माण के 160 वर्ष हिंदी में लिखा हुआ है, दूसरी साइड में इनकम टैक्स 160 ईयर ऑफ बिल्डिंग इंडिया लिखा हुआ है, और बीच में जो फूल और उसके ऊपर एक मक्खी बैठा हुआ है, इसका मतलब है इनकम टैक्स इसी तरह से वसूला जाता है जिस तरह से एक फूल से मधुमक्खी रस चूस लेती है, लेकिन फूल का कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब यही है, यही दर्शाया गया है, बाकी किस तरह से वसूला जाता है वो आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद में अगर एज देखते हैं तो ये रेटेड एज का सिक्का है। अगर देखते हैं सिक्के को ओवर भाग से तो बीच में अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते और नीचे डिनोमिनेशन 5, एक साइड भारत रुपए हिंदी में, दूसरी साइड इंडिया रुपए इंग्लिश में। अब बात कर लेते हैं सिक्के की कीमत के बारे में, तो ये सिक्का निकिल ब्रास धातु का है, ये आपको ध्यान रखना है, आपका सिक्का निकिल ब्रास का होना चाहिए, मेटल निकिल ब्रास, वेट 6 ग्राम, डायमीटर 23 mm, थिकनेस 2 mm, और अगर मिंट मार्क की बात करें तो ये भारत के चारों मिंटों में जारी किया गया, जो मैंने आपको पहले बोला था, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। मुंबई मिंट में सिक्के 1.5 करोड़ के आसपास जारी किए गए थे। यहां से आपको अंदाज लगा लेना आपके सिक्के की कीमत क्या होगी, उसके बाद में आपको बताऊंगा इन सिक्कों की कीमत क्या है। उसके बाद में कोलकाता मिंट के सिक्के 3.5 करोड़ के आसपास जारी किए गए, 2 करोड़ कोलकाता मिंट के सिक्के, 2.5 करोड़ सिक्के जारी किए गए थे। कोलकाता मिंट में एक रेयर सिक्का आता है, उतना ज्यादा रेयर नहीं होता है लेकिन थोड़ा सिक्का कीमती होता है, वो होता है प्लेन एज का सिक्का। यहां पे आपको रेडिड एज देखने को मिलती है, वहां पे आपको प्लेन एज भी देखने को मिलती है। वो सिक्का आपको कलेक्शन में शामिल जरूर करना चाहिए और उसको कलेक्ट करना चाहिए, हर एक सिक्कों को कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस कंडीशन में करना चाहिए। उसके बाद में इसमें मिड एज भी देखने को मिलती है, कोलकाता मिंट में दोनों एज ही देखने को मिलती है, इसके लिए प्लेन एज के सिक्के कम है और इसीलिए वो सिक्के कलेक्टेबल है। उसके बाद में आता है हैदराबाद मिंट, उसका होता है स्टार का मिंट मार्क। हैदराबाद मिंट से ये सिक्के 1.5 करोड़ के आसपास जारी किए गए,
और उसके बाद में जो नोएडा मिंट आती है, नोएडा मिंट में भी ये सिक्के 1 करोड़ 3 लाख जारी किए गए। तो आप अंदाज लगा सकते हैं इन सिक्कों की टोटल वैल्यू कितनी हो सकती है। मतलब कोई भी सिक्का रेयर होगा, या तो वो कम मिंटिंग होगी, या फिर वो सिक्का आपका कोई एरर की वजह से रेयर होता है। सभी सिक्के रेयर नहीं होते हैं। तो इन सिक्कों की कीमत, सभी सिक्कों की कीमत 5 रुपए से लेकर आपको 25 रुपए के बीच में कोई भी सिक्का आपको मिल जाएगा। ओनली प्लेन एज के सिक्के को छोड़ दें तो, क्योंकि प्लेन एज का जो कोलकाता मिंट का सिक्का आता है उस सिक्के की कीमत 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक मिल सकती है। वो सिक्के की एज देखनी होती है। बाकी सभी सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, इसीलिए अगर आप इन सिक्कों का कलेक्शन करते हैं तो UNC कंडीशन का सिक्का कलेक्शन में शामिल करें। अभी आप अगर बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी बेचने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये सिक्के बिकने वाले नहीं है, इनकी इतनी ज्यादा कीमत नहीं मिलने वाली है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये जानकारी समझ में आ गई तो वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करें, और आप हमारे चैनल पे डेली वीडियो देखते हैं या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं जारी करता हूं तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो आज की वीडियो यहीं पे पूरा करेंगे, मिलेंगे कोई और अच्छी सी वीडियो के साथ में।